बेटा सरफेस एरिया निकालिए, नई बुक में चैप्टर नंबर 2 है 12.2, नई पुरानी वाली बुक में 13.2 होगा। हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, 5, 7 और 8 वो आज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनसीईआरटी 12.2 13.2 पुराने वाली बुक में। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। एक इन्वर्टेड कोन है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ऊपर तक पूरा पानी से भर रखा है ये। व्हेन लेट शॉट्स ऑफ ईच ऑफ द व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 0.5। अब इसके अंदर हमने क्या करा, 0.5 सेंटीमीटर के बहुत सारे लेट शॉट्स इसके अंदर हमने डाल दिए। ये पहले क्या था, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। लेट शॉट्स डाल दूंगा तो पानी क्या कर जाएगा, बाहर गिर जाएगा हमारा। 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, पानी कितना बाहर निकल गया, 1/4। आर्किमिडीज प्रिंसिपल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे तो वहां पे उस लिक्विड का फ्लूइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जितनी अपनी वॉल्यूम वहां पे डिस्प्लेस हुई है, मतलब जितना सब्सटेंस हमने उसके अंदर डाला है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या सोचा जाएगा कि आपके पास हम लोगों ने बहुत सारी लेट शॉट डाली है, कितनी डाली है पता नहीं। इन लेट शॉट्स, लेट शॉट की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर लेवल राइज हो जाएगा। यहाँ पे वाटर लेवल राइज होने की वजह से क्या हुआ, सारा पानी बाहर गिर गया, क्योंकि पानी पूरा ऊपर तक भर रखा था। अप टू द ब्रिम का मतलब था टॉप लेवल तक पूरा पानी भर रखा है। कितना पानी बाहर गिर गया बेटा, 1/4। किसका 1/4 पानी गिर गया बाहर, वॉल्यूम ऑफ कोन के। सो एन इंटू 4/3 πr³ 1/4 कोन की, बेटा वॉल्यूम कितनी हो जाएगी हमारी, 1/3 πr² तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी। एक चीज़ और कि कोन के लिए हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल एच यूज़ कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कैपिटल r² h/4, और यहाँ से 4r³ भी डिनोमीटर में आ जाएगा। कैपिटल आर की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। दिस इज कैपिटल आर, कैपिटल एच, और जो रेडियस है इसका हमारे पास लेट शॉट का 0.5 सेंटीमीटर है। सो दिस विल बी 5 × 5 × 8 डिवाइड बाई 4 4 16, इंटू स्मॉल आर हमारे पास 0.5 है, 0.5 का मतलब हो जाएगा बेटा 1/2। सो ये हो जाएगा 1 8 1 8 2, दिस गिव्स एन इज इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का क्यूब, 1/8 1/4 25 डिवाइड बाई 1/4। सो नंबर ऑफ लेट शॉट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 100 आ जाएंगे। ये रहेंगे हमारे पास, यहाँ पे पानी क्या आ रहा है, बाहर गिर रहा है। कितना पानी बाहर गिर रहा है, 1/4। तो 1/4 पानी वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा, किसके आया है वो हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ दी एन लेट शॉट, कितना हमारे पास लेट शॉट हमने अंदर डाली है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। आपके पास एक कोन है सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, कोन की जो हाइट है स्मॉल एच लिख लेते हैं, दैट इज 120, रेडियस 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अपराइट का मतलब क्या होता है कि हमने इस तरीके से रखा सिलेंडर के अंदर कि वो सारे साइड से उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ऊपर और नीचे को भी उसने क्या कर लिया, कवर अप कर लिया कुछ इस टाइप से। तो जो इसकी हाइट हो जाएगी वो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, सिलेंडर की कोन की हाइट कितनी है, 120, और रेडियस की हाइट कितनी है, 60। रेडियस की हाइट मतलब क्योंकि ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस ही हो जाएगा ना, तो पूरी हाइट जो है वो एच प्लस आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हो जाएगा बेटा 120 + 60। सो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी सिलेंडर की, 180 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी बट एग्जाम में गिवन नहीं आएगी। अब राइट पूरा उसके अंदर हमने डाल दिया है, इसका मतलब ये पूरा उसके अंदर फिट हो गया ऊपर नीचे से राइट लेफ्ट से। और यहाँ पे रेडियस भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो हमारे पास ऊपर वाले का है, ठीक है।
आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो गुणांक क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, सॉल्ट मैंने पूरा उसके अंदर डाल दिया, तो कितना पानी बच जाएगा इसके अंदर। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, तो जो सॉलिड आपके पास, क्योंकि पल्स को डालने से पानी बाहर गिर जाएगा, वही निकालना है हमें। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिलेंडर की हमारे पास वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच, सॉलिड की बेटा खून की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पूरे से पाई की वैल्यू हम लोग कॉमन ले लेंगे, पूरे में से आर भी हमारा तो सेम है, तो जाएगा एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी क्वेश्चन में, गिवन है कुछ नहीं गिवन, तो 22/7। रेडियस हमारे पास 60 है, हाइट जो है 180 माइनस 1/3, हाइट 120 माइनस 2/3 इंटू 60, 40, 20, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3600, 180 माइनस 40 माइनस 20, 2 से मल्टीप्लाई है, ओके सॉरी, सो दिस विल बी 40, हमारा 40 में हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3600, 180 माइनस 40 माइनस 40 दिस इज 100। कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, दिस योर पार्ट, कैलकुलेट मैं ही कर दूं, चलो ठीक है। 3600 है ना, उसको लिख दो 36 × 100, तो 36 × 22 दैट इज 792 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब 792 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, 113 114 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 113 1400, और ये सारा सारा हमारा किसमें गिवन था बेटा, सेंटीमीटर में गिवन था, तो 70 m³ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल इन्वॉल्व हुआ है, तो वहां पे आप अप्रोक्स लिख देंगे इसको। क्लियर है डाउट इसमें? अब इसी को हम लगा के ना लीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दो, 113.14 कितना आ जाएगा, 1131.4 आ जाएगा। कितना लीटर था पानी वहां से सारा सारा बाहर गिर गया था। क्लियर है ये? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 में स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, सिलेंड्रिकल नेक है और स्फेरिकल ग्लास वेसल कुछ इस टाइप का हमारे पास। आपको जो ऊपर की जो हाइट है इसकी, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है और डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो हमारा स्फेरिकल पार्ट का है वो 8.5 है, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 8.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4.25। By measuring the amount of the water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct or not. इस पूरे के हमें वॉल्यूम निकालनी है, so volume of vessel हमारे पास कितना हो जाएगा? Volume of vessel is equal to volume of cylinder that is pi r square h plus volume of the sphere that is equal to 4/3 pi r cube. Pi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, pi हमें कितना यूज करना है, 3.14. 3.14 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 8, 4/3 इंटू पाई, 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 4.25। सॉल्व करो, 345 आएगा तो शी इज करेक्ट, 345 नहीं आया तो शी इज इनकरेक्ट, नहीं आता है इसमें, राइट। अब वापस से आइए हमारे एग्जांपल्स पे, हम लोगों ने एग्जांपल्स नहीं करे थे, एग्जांपल नंबर 6 पे आएंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको कह रहा है, जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। ग्लास हमारे पास इस टाइप का है, सिलेंड्रिकल ग्लास है देखने में,
नीचे से ऐसे अप्रेस्ड हो रखा है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हो जाएगा बेटा 5/2 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज अ हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, द हाइट ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू 10, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि इसको देख के हमें क्या दिख रहा है, जब हम जूस लेने गए तो हमने दिख रहा है कि जो जूस हमें किसमें मिल रहा है, ग्लास में तो मिल रहा है, बट ग्लास कौन सा है, सिलेंडर, तो अपेरेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जो हमें दिख रहा है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, और एक्चुअल कैपेसिटी इसकी क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये जो हेमिस्फेयर मैंने बनाया हुआ है तो ये सारे का सारे इसमें ग्लास है, ये जूस तो हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ डलेगा सारा का सारा, यहाँ पे जूस डलेगा सारा, ठीक है ना, तो इसके वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो जो एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगी हमारी वो तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, जो ऑलरेडी ऊपर से निकाल चुके होंगे, माइनस नीचे हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे 2/3 पाई आर, क्लियर है चीज, पक्का। अब आइए एग्जांपल नंबर 5 पे, एग्जांपल नंबर 5 में आपको बोल रहे शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन द शेड विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स। सो आपके पास एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड के ऊपर हम लोगों ने आधा सिलेंडर रखा हुआ है, क्यूबॉइड के ऊपर ऐसे एक आधा सिलेंडर है, यहाँ पे जो नीचे वाले डायमेंशन है 7 मीटर्स इंटू 15 मीटर्स है, 7 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर्स, तो अगर इसको देखें 7 मीटर्स और 15 मीटर्स, एंड बोल रहा हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8, हाइट हो जाएगी 8, सो ये हमारे पास लेंथ हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगी, ये हाइट हो गया क्यूबॉइड के लिए, लेकिन जो हमारे पास लेंथ है क्यूबॉइड की वही हमारी हाइट किसकी हो जाएगी, वही हाइट किसकी होगी, सिलेंडर की हो जाएगी। अब जो हमारे पास विड्थ है, ब्रेथ है, जो किसकी ब्रेथ, सिलेंडर और नीचे क्यूबॉइड की, वो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, तो जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल के, डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस यहाँ लेट कर लेते हैं यार, जो कि हो जाएगा विड्थ के इक्वल, विड्थ कितनी है हमारे पास 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे 7/2, 3.5 की जगह फ्रैक्शन में यूज करो ज्यादा बेटर रहेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अंदर कितना एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड, बोलो बेटा, ऊपर क्या है आधा सिलेंडर और नीचे क्या है क्यूबॉइड, ऋत्विक सर ध्यान दे लीजिए इधर, फिर कहोगे सर टेस्ट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाफ सिलेंडर, क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है बेटा हमारी एलवी है, सिलेंडर की हमारे पास वॉल्यूम कितनी है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम कैपिटल आर लिखा था, यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे इसके लिए, लेंथ कितनी है हमारे पास 15 × 7, 15 × 7 × 8 प्लस हाफ पाई हो जाएगा हमारे पास 22/7, रेडियस कितना सिलेंड्रिकल पोर्शन का हमारे पास 7/2, यहाँ पे आर स्क्वायर है 7 × 7, और हाइट हमारे पास सेम है 15, 2 से करके 11 आ जाएगा, 7 7 गया, सेम हमारे पास आ रहा है बेटा 15 × 7 × 8 प्लस 11 × 7 × 15/4, न्यूमरेटर में से ऊपर से अगर हम कॉमन ले लें तो कॉमन कितना आ रहा है 15 × 7, तो आ जाएगा हमारे पास 15 × 7 कॉमन ले लेंगे तो 8 + 11/4, 15 × 7 = 105 मल्टीप्लाइड बाय 32 + 11 43/, मल्टीप्लाई करो इसको, 43 × 105 है, 43 × 100 कितना होगा 4300, 43 × 5 215,
4515 डिवाइड बाय 4 मीटर क्यूब, क्लियर है? अब आगे हो जाएगा डिवाइड दो। आगे आपको बोल रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब और 20 वर्कर्स है जो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं 0.08 मीटर क्यूब, तो हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट इन द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द शेड, हमारा हो जाएगा जो पूरी वॉल्यूम है दी शेड की 4515 माइनस अब सॉरी 4515 अपॉन 4 मीटर क्यूब आई थी। मशीनरी कितनी बड़ी थी बेटा 300, वर्कर कितने हैं 20 और एक वर्कर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08, तो 20 into 0.08 माइनस कर देंगे इसमें से, पहले वाला हमारा भी सेम ही है 4515 अपॉन 4 माइनस 300 माइनस 1.6 4515 अपॉन 4 माइनस 301.6 मीटर क्यूब डिवाइड कर लो अपने आप। क्लियर जानी? डाउट इसमें एनीवन एल्स? ऋत्विक डाउट सर बोल लो, अभी नहीं है फिर बाद में भी नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है आपको सर साथ में पीछे कोई डाउट नहीं है, चैंपियन हो गए फटाफट तो तुम लोग। एग्जांपल नंबर 7 सेम, मतलब जिस बच्चे की बुक में डाउट लिखा हुआ है जिसकी भी, अब हो गया क्लियर। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, वही जो हमने अभी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करा है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और डायमीटर नीचे का है 4, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 2, हाइट भी हमें कितनी गिवन है बेटा 2 गिवन है, इस पूरे को दो इसका है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस टॉय की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो नीचे वाली की वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। आगे बोल रहे हैं इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, मतलब कि दोबारा से हमने यहाँ पे इसको एक डाल दिया, तो जो ऊपर जो सिलेंडर बन गया सिलेंडर की हाइट किसके हो जाएगी एच प्लस आर, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 4, सिलेंडर का रेडियस नीचे वाले रेडियस के इक्वल ही हो जाएगा सेम, जानवी क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, इफ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इन वॉल्यूम्स, तो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच माइनस टॉय की वॉल्यूम आपने पीछे ऑलरेडी निकाल रखी थी, वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्लियर है ये पक्का? नेक्स्ट, तो इस सेकेंड एक्सरसाइज के एग्जांपल हो गए खत्म हमारे, अब आए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल में उल्टे स्टार्ट करते हैं, पहले करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में बच्चे आपके पास बोल रहा है क्या हुआ बेटा, एग्जांपल नंबर 4 रह गया हमारा, अच्छा सॉरी पहले 4 कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास बोल रहा है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, तो बर्ड बाथ को जिस टाइप का हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर में इसने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हटा दिया, ऊपर पानी भरेगा बर्ड आएगी उसमें नहा के चली जाएगी, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 एंड रेडियस जो है बेटा इसका गिवन है आपके पास 30 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाली क्वांटिटी को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो हाइट 1.45 मीटर से 145 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, तो मुझे नजर क्या आएगा सिलेंडर का कर्व पार्ट आएगा सारा का सारा, और क्या नजर आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सो विल राइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ विच विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऊपर वाले की जो वैल्यू हमारे पास कर्व सरफेस एरिया वो है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा आर प्लस एच। जानवी समझ आ रहा है बेटा? खुश हो रहे? बड़े मजा आ रहा है, इजी सी क्वेश्चन है, समझ आ रहा है, आसान है? आसान नहीं है। अब सो रहे हैं एग्जांपल सॉल्व पक्का, तो खुश इसलिए हो रहे कि घर पे सॉल्व नहीं था वो भी सॉल्व। चलो ये भी बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो ना, ठीक है ना? वो कह रहे थे सर करा दो आप ही, इतनी तो वैल्यू हो जाएगी सॉल्व। नाउ एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 आपको बोल रहा है वुडन टॉय रॉकेट इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। आगे आपको बोल रहा है द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट। देखिए बेटा द एंटायर रॉकेट की हाइट हमारे पास कितनी है? 26। सो ऊपर हमारे पास एक कोन गिवन है और यहाँ पे हमने नीचे एक आपके पास सिलेंडर गिवन है। कंप्लीट हाइट 26 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6। सो ऊपर कोन की जो हाइट है हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ द 5 सेंटीमीटर्स व्हाइल द बेस ऑफ द सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 3। इसका डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा। ऊपर वाले का जो डायमीटर है वो 5 है तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोन पे हमने ऑरेंज कलर पेंट करना है ऊपर की तरफ सारा का सारा, ये सारा ऊपर हम लोगों ने ऑरेंज कलर पेंट करना है, तो ऑरेंज तो हम लोग तो बना सकते हैं इससे, तो हम अच्छे से पेंट कर लेते हैं जरा इसको। और ऑरेंज पेंट कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ पे पेंट होगा ऑरेंज, ये इस पार्ट पे भी हमारा क्या पेंट होगा? ऑरेंज होगा, ठीक है, क्लियर है ना? एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन टू बी पेंटेड येलो, और जो सिलेंडर है वो हमारा क्या पेंट हो रहा है? येलो। तो सिलेंडर वाला पार्ट हमारे पास ये पार्ट होगा ना, अब सिलेंडर ऐसे आ रहा होगा तो ये कितना पेंट होना है हमारा? येलो पेंट होना है। तो ये मैंने पेंट करके इसलिए दिखाया है क्योंकि जो हमारे पास बेस होगा, बेस बेस तो ऐसा होगा, ये वाला पार्ट मेरे को नजर नहीं आएगा बट ये ना इस पे पेंट होगा, ये पार्ट तो हमारा हट जाएगा जो सिलेंडर का पार्ट है। पेंट जो होगा हमारे पास कौन सा होगा? ये भार वाला पेंट होगा सिर्फ। सो जो भार वाले का जो एरिया निकालना है ऑरेंज वाले का, वो तो कैसे निकालेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ये पहले ये पूरे में से ये अंदर वाला माइनस कर देंगे, ठीक है ना? सो ऑरेंज पेंट कितना करना है हमने? एक तो करना है टॉप पे, कोन पे, कोन के कहाँ पे होगा? कर्व सरफेस एरिया पे प्लस बॉटम जो मैंने यहाँ पे सर्कल रिंग बनाई है, रिंग में जो ऑरेंज वाला पार्ट होगा, कैसे निकालेंगे? बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। और येलो पेंट हमारा कहाँ होगा बेटा? हमारे पास जो येलो पेंट है, येलो पेंट कहाँ पे हो रहा है? एक तो सीएसए ऑफ सिलेंडर जो कि 2πRH है प्लस ये बेस पे हमारा येलो कलर है, प्लस बेस पे भी हमारा क्या पेंट होगा? येलो कलर होगा। बेस का एरिया हमारा कितना हो जाता है? 5R² हो जाएगा, क्लियर है कि? अब यहाँ पे हमसे एक गलती हुई है, गलती क्या हुई है कि मैंने जो डायमेंशंस ले रखे हैं वो हम लोगों ने ले रखे हैं सिलेंडर के लिए सारे के सारे कैपिटल में, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2π R H और बेस का इसका कैपिटल R है, तो
तो अगर ये आप ऊपर भी गलत कर देंगे, कैपिटल आर की जगह स्मॉल स्मॉल की जगह कैपिटल, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, भले वैल्यू सी सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर टू पे। एग्जाम्पल नंबर टू भी हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर ऑन द टॉप इज ऑफ डायमीटर 4.2। रेडियस हमारे पास 2.1। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, हमें ब्लॉक पे क्या क्या नजर आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दैट इज 6 स्क्वायर। ऊपर की तरफ सरफेस बन रही है, ये हमारे पास कितना ये सरफेस बन रही है, ये वाला पार्ट सारा। ठीक है, हमारा कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का। फिर हेमिस्फीयर के रखने की वजह से ये वाला जो फेस है, ये फेस हमारे यहाँ से रिमूव हो गया है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई आर स्क्वायर। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर वन। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप लट्टू, बर्थडे पे उसको लट्टू मिला था, आके लोग उसे लट्टू देगा ना, दोस्ती बाहर निकाल दे, कह रहे जा यहाँ से बाहर। तो लट्टू मिला था उसको, और उसके बाद कलर भी नहीं हो रखा था, नीचे कोन और कोन के ऊपर क्या था, हमारा हेमिस्फीयर था। जो टोटल हाइट थी वो गिवन थी 5, डायमीटर जो था इसका 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, जो कि हो जाएगा हमारा 7.7/4 सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास रेडियस है तो ये भी हमारे पास क्या है, ये कितना है हमारे पास 7/4, तो जो नीचे की जो हाइट होगी वो हाइट किसके हो जाएगा, टोटल हाइट 5 माइनस विच इज इक्वल टू 13/4। हमें क्या करना है, इसको पेंट करना है, तो पेंट कहाँ करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, एल आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर?